हेलो इस वीडियो में हम एस के इंपॉर्टेंट एम के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ए वेब पेज डिस्प्लेज ए पिक्चर व्हाट टैग वाज यूज़ टू डिस्प्ले द पिक्चर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पिक्चर ऑप्शन बी अमेज ऑप्शन सी आई ऑप्शन डी एस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आई एम जी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी टैग मेक्स द इनक्लोज bold. बोर्ड वट इज़ other टैग टू मेक द text बोर्ड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्ट्रोंग ऑप्शन बी डी ए आर ऑप्शन सी ब्लैक ऑप्शन डी ई एम पी तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए स्ट्रॉग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच टैग इंसर्ट ए लाइन ओरियंटली ऑन योर बेपिस तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए एच आर ऑप्शन बी लाइन ऑप्शन सी ओरिएटल ऑप्शन डी टी आर तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए एच आर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट शुड बी दी फर्स्ट टैग इन एनी एस टी एम एल डॉक्यूमेंट तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हैड ऑप्शन बी टाइटल ऑप्शन सी एस टी एम एल ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एच टी एम एल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच टैग अलाउज यू टू एड ए रो इन ए टेबल तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टी डी ओपन टैग एंड टी डी क्लोज टैग ऑप्शन बी ओपन सी आर एंड क्लोज सी आर ऑप्शन सी ओपन टी एच एंड क्लोज टी एच ऑप्शन डी ओपन टी आर एंड क्लोज टी आर तो यहाँ पे ये यह चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ओपन टी आर एंड क्लोज टी आर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू मेक ए बुलेटेड लिस्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए लिस्ट ऑप्शन बी एन एल ऑप्शन सी यू एल ऑप्शन डी ओ एल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यू एल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू मेक ए नंबर्ड लिस्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डी एल ऑप्शन बी ओ एल ऑप्शन सी लिस्ट ऑप्शन डी यू एल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ओ एल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एस टी एम एल टैग टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डबल आई ऑप्शन बी इटैलसिस ऑप्शन सी इटैलिक ऑप्शन डी आई तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एस टी एम एल टैग टू मेक ए टेक्स्ट बोल्ड तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बी ऑप्शन बी बोल्ड ऑप्शन सी बी बी ऑप्शन डी बी आर डी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दैक्ट एस टी एम एल फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बॉडी कलर इज इक्वल टू येलो ऑप्शन बी बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येलो इसके बाद ऑप्शन सी बैकग्राउंड येलो और बैकग्राउंड को यहां पे बंद किया हुआ है ऑप्शन डी बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू येलो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येलो इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एस टी एम एल टैग साइज हेडिंग तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हेडिंग ऑप्शन बी एच सिक्स ऑप्शन सी एच वन ऑप्शन डी हेड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एच सिक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दैक्ट एस टी एम एल टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए बी आर ऑप्शन बी एल बी ऑप्शन सी ब्रेक ऑप्शन डी न्यू लाइन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बी आर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट डज बी लिंक एट्रीब्यूट मीन तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बिस्टेड लिंक ऑप्शन बी वर्चुअल लिंक ऑप्शन सी वेरी गुड लिंक ऑप्शन डी एक्टिव लिंक तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बिस्टेड लिंक इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच एट्रीब्यूट इज यूज टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए क्लास ऑप्शन बी आईडी ऑप्शन सी डीओटी ऑप्शन डी ऑल ऑफ अवर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आईडी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच टैग क्रिएट्स ए चेकबॉक्स फॉर ए फॉर्म इन एस तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए चेकबॉक्स ऑप्शन बी इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स ऑप्शन सी इनपुट इज इक्वल टू चेक बॉक्स ऑप्शन डी इनपुट चेक बॉक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू क्रिएट ए कंबो बॉक्स ड्रॉप डाउन बॉक्स बीच टैग विल यू यूज तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सेलेक्ट ऑप्शन बी लिस्ट ऑप्शन सी इनपुट टाइप इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन ऑप्शन डी आल ऑफ हवर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेलेक्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए पी अटैग तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पी ऑप्शन बी यू ऑप्शन सी आई ऑप्शन डी आई तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू क्रिएट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर ए यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑप्शन बी हाई पावर्ड कंप्यूटर ऑप्शन सी जस्ट ए नोट पैड कैन बी यूज ऑप्शन डी नन ऑफ अवर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जस्ट ए नोट पैड कैन बी यूज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस टी एम एल आर सेव्ड इन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्पेशल वाइनरी फॉर्मेट ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज कोर्स ऑप्शन सी ए एस सी आई आई टेक्स्ट ऑप्शन डी नन ऑफ अव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ए एस सी आई आई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है सम टैग इनक्लोज द टेक्स्ट दो टैग आर नॉन एस यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कपड़ टैग ऑप्शन बी सिंगल टैग्स, ऑप्शन सी डबल टैग्स, ऑप्शन डी पेयर टैग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पेयर टैग्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द डैश करेक्टर टेल्स दी ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग टेक्स्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटेरोगेटिव साइन ऑप्शन बी फॉरवर्ड स्लैश ऑप्शन सी ग्रेटर देन ऑप्शन डी परसेंटेज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉरवर्ड स्लैश इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए शुड बी रिटन इन अपर केस ऑप्शन बी शुड बी रिटन इन लोअर केस ऑप्शन सी शुड बी रिटन इन प्रॉपर केस ऑप्शन डी कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस और लोअर केस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस और लोअर केस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है मार्क मार्क्यू इज ए टैग इन एस टी एम एल टू यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मार्क द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू मेंटेन इन क्यू ऑप्शन बी मार्क द टेक्स्ट सो दैट इट इज हिडन इन ब्राउजर ऑप्शन सी डिस्प्ले टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स ऑप्शन डी नन ऑफ अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डिस्प्ले टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है देयर आर डैश डिफरेंट ऑफ हैडिंग टैग्स इन एस एम एल तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी फाइव ऑप्शन सी सिक्स ऑप्शन डी एट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सिक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू क्रिएट ए ब्लैंक लाइन इन योर पेज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए प्रेस एंटर टू टाइम्स ऑप्शन बी प्रेस शिफ्ट प्लस सेंटर ऑप्शन सी इंसर्ट बी आर टैग ऑप्शन डी इंसर्ट बी लाइन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंसर्ट बी आर टैग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल टैग तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बी ऑप्शन बी टी टी ऑप्शन सी आई ऑप्शन डी आल ऑफ अवब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आल ऑफ अब इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी बे ब्राउज़र डिस्प्ले दी ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एट्रीब्यूट्स ऑप्शन बी पैरामीटर्स ऑप्शन सी मोडिफायर्स ऑप्शन डी नन ऑफ अब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एट्रीब्यूट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉल्विंग एस टी एम एल कोड इज वैलिड तो यहाँ पे चार ऑप्शन लिए गए हैं ऑप्शन ए फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड ऑप्शन बी फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड ऑप्शन सी रेड फॉन्ट ऑप्शन डी All ऑफ above. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फोन कलर इज इक्वल टू रेड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस टी एम एल स्पोर्ट्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ऑर्डर लिस्ट ऑप्शन बी अनऑर्डर लिस्ट ऑप्शन सी बोथ टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑप्शन डी नन ऑफ अवब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ टाइप ऑफ लिस्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट टैग इज यूज टू लिस्ट इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एल आई ऑप्शन बी ओ एल ऑप्शन सी यू एल ऑप्शन डी नन ऑफ अव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एल आई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट इज यूज विद आई एम जी टैग टू डिस्प्ले दफ कुड नॉट लोड इन ब्राउजर तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन ऑप्शन बी नेम ऑप्शन सी ए आर टी ऑप्शन डी आई डी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ए आर टी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है

इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच एट्रीब्यूट इज यूज टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए क्लास ऑप्शन बी डी ऑप्शन सी डी ओ टी ऑप्शन डी आल ऑफ अव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस टी एम एल तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन बी हाइफनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन सी हाइफनेशन टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच टी टी पी तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेज ऑप्शन सी हाइपरनेशन टेक्स्ट टेस्ट प्रोग्राम ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सर्च इंजन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ए प्रोग्राम दैट सर्चिज इंजन ऑप्शन बी ए वेबसाइट दैट सर्च एनीथिंग एनी थिंग ऑप्शन सी ए हार्डवेयर कंपोनेंट ऑप्शन डी ए मशीनरी इंजन दैट सर्च डाटा तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ए वेबसाइट दैट सर्च इज एनी थिंग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी ओब्लिक आईपी तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑप्शन बी टेलीफोन कॉल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑप्शन डी नन ऑफ दब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एच टी एम एल डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद बिच टैग पेयर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ओपन हेड एंड क्लोज हेड ऑप्शन बी ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी ऑप्शन सी ओपन एस टी एम एल क्लोज एस टी एम एल ऑप्शन डी ओपन वेब क्लोज वेब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ओपन एस टी एम एल टैग एंड क्लोज एस टी एम एल टैग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच टैग इज यूज टू क्रिएट बॉडी टेक्स्ट इन एस एम एल तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हेड ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी टाइटल ऑप्शन डी बॉडी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बॉडी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है याहू एंड लाइकोस आर यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्च इंजन्स ऑप्शन बी ब्राउजर्स ऑप्शन सी न्यूज़ ग्रुप्स ऑप्शन डी नन ऑफ अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सर्च इंजन्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज दी डॉट कॉम डोमेन रिप्रेजेंट्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एजुकेशनल डोमेन ऑप्शन बी कॉमर्शियल डोमेन ऑप्शन सी नेटवर्क ऑप्शन डी नन ऑफ दब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कॉमर्शियल डोमेन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है आउटलुक एक्सप्रेस ए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ईमेल क्लाइंट ऑप्शन बी ब्राउजर ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्शन डी नन ऑफ द अब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ईमेल क्लाइंट क्लाइंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओपन टाइटल टैग एंड क्लोज टाइटल टैग मस्ट बी विदन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टाइटल ऑप्शन बी फॉर्म ऑप्शन सी हैडर ऑप्शन डी बॉडी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हैडर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओपन यू एल टैग एंड क्लोज यू एल टैग इज यूज टू यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डिस्प्ले द दंबर्ड लिस्ट ऑप्शन बी अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑप्शन सी डिस्प्ले द दोल्टेड लिस्ट ऑप्शन डी बोल्ड द टेक्स्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डिस्प्ले द दोल्टेड लिस्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले दी नंबर्ड लिस्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ओपन ओ एल और क्लोज ओ एल ऑप्शन बी ओपन डी एल उसके बाद क्लोज डी एल ऑप्शन सी ओपन यू एल उसके बाद क्लोज यू एल ऑप्शन डी ओपन एल आई टैग क्लोज एल आई टैग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ओपन ओ एल टैग एंड क्लोज ओ एल टैग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द लार्ज फोन साइज तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ओपनिंग लार्ज टैग क्लोजिंग लार्ज टैग ऑप्शन बी ओपनिंग बिग टैग क्लोजिंग बिग टैग ऑप्शन सी ओपनिंग साइज टैग क्लोजिंग साइज टैग ऑप्शन डी ओपनिंग फोन टैग क्लोजिंग फोन टैग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ओपनिंग बिग टैग क्लोजिंग बिग टैग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड विदन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हेडर ऑप्शन बी बॉडी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूजिंग पी टैग बिल यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ ऑप्शन बी ब्रेक द लाइन ऑप्शन सी एंड द पैराग्राफ ऑप्शन डी नन ऑफ तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओपन टी डी टैग एंड क्लोज टी डी टैग इज यूज फॉर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टेबल हेडिंग ऑप्शन बी टेबल रिकॉर्ड्स ऑप्शन सी टेबल रो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेबल रिकॉर्ड्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज़ टू टू चेंज द टेक्स्ट कलर टू रेड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड ऑप्शन बी बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड ऑप्शन सी बॉडी कलर इज इक्ल टू रेड ऑप्शन डी नन ऑफ दवाब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए होम पेज इज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एंड पेज ऑप्शन बी मिडिल पेज ऑप्शन सी वेब ब्राउजर ऑप्शन डी द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सप्लोर द इंटरनेट तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ब्राउजर ऑप्शन बी स्प्रेडशीट ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन डी ड्रा तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्राउजर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एन आइकन। ऑप्शन बी ए फाइल मैनेजर ऑप्शन सी ए ब्राउजर ऑप्शन डी द इंटरनेट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ए ब्राउजर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट डू आई नीड टू गेट ऑन टू द इंटरनेट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंप्यूटर ऑप्शन बी मॉडर्म ऑप्शन सी ब्राउजर ऑप्शन डी आल ऑफ दब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आल ऑफ दब इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट इज एन आई एस पी तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए इंटरनल सिस्टम प्रोटोकॉल ऑप्शन बी इंटरनल सिस्टम प्रोग्राम ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर्मिंग इज वैलिड आईपी एड्रेस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए नाइन एट फोर डॉट वन टू सेवन एट सेवन डोट सेवन सिक्स ऑप्शन बी वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट थ्री टू वन डोट वन ज़ीरो ऑप्शन सी वन डोट ट्रिपल एट डोट टू थ्री फोर डोट थ्री फोर फाइव सिक्स ऑप्शन डी वन नाइन टू डोट वन सिक्स एट डोट फाइव सिक्स डोट वन वन फाइव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट फाइव सिक्स डॉट वन वन फाइव इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच इज नॉट ए डोमेन नेम एक्सटेंशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डॉट एम आई एल ऑप्शन बी डॉट ओ आर जी ऑप्शन सी डॉट आई एन टी ऑप्शन डी डॉट कॉम तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डोट आई एन टी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ आर कॉमनली फाउंड इन वेब पेजेस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंटरनेट ऑप्शन बी हाइपरलिंक्स। ऑप्शन सी इंट्रानेट ऑप्शन डी ऑल ऑफ तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइपरलिंक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एच टी एम एल टैग वुड बी यूज टू डिस्प्ले पावर इन एक्सप्रेशन ए प्लस बी इसके बाद टू तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एस यू पी ऑप्शन बी एस यू बी ऑप्शन सी बी ऑप्शन डी पी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एस यू पी इसका सही आंसर है जिसको कि सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है ये इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एस टी एम एल टैग फॉर दी लार्जेस्ट हेडिंग तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एच वन ऑप्शन बी एच सिक्स ऑप्शन सी एच टेन ऑप्शन डी हेड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एच वन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दस टी एम एल टैग बिल इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पी ऑप्शन बी एल बी ऑप्शन सी बी आर ऑप्शन डी ब्रेक तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बी आर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ दी फॉलिंग टैग्स आर रिलेटेड टू दिन एस इन एम एल तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टेबल रो कॉलम ऑप्शन बी टेबल टी आर टी डी ऑप्शन सी टेबल हेड बॉडी ऑप्शन डी टेबल हैडर पोटर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेबल टी आर टी डी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एस टी एम एल ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी जे बी एम ऑप्शन डी डी टी डी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एस टी एम एल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एच टी एम एल इज कंसीडर्ड एज डैश लैंग्वेज तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन बी ओप लैंग्वेज ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन डी मार्कअप लैंग्वेज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मार्कअप लैंग्वेज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस टी एम एल लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ मार्कअप इसके बाद चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एट्रीब्यूट्स ऑप्शन बी टैग्स ऑप्शन सी सेट्स ऑप्शन डी ग्रुप्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टैग्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस टी एम एल टैक्स आर यूज टू डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डेफिनेशन ऑप्शन बी लैंग्वेज ऑप्शन सी कंटेंट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कंटेंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस टी एम एल डॉक्यूमेंट कैन कंटेन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एट्रीब्यूट्स ऑप्शन बी टैग्स ऑप्शन सी प्लेन टेक्स्ट, ऑप्शन डी आल ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आल ऑफ दीज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है पेज डिजाइंड इन एस डी एम एल इज कार्ड ए यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए येलो पेज ऑप्शन बी बेब पेज ऑप्शन सी सर्वर पेज ऑप्शन डी पेज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वेब पेज का सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एच टी एम एल डॉक्यूमेंट इज सेव्ड यूजिंग डैश एक्सटेंशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डॉट एच टी एल ऑप्शन बी डॉट एच टी एम एल ऑप्शन सी डॉट एच एम एल ऑप्शन डी डॉट एच टी एन एल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉट एस टी एम एल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर दैट कैन रीड एंड रेंडर एस टी एम एल डॉक्यूमेंट इज तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्वर ऑप्शन बी कंपाइलर ऑप्शन सी इंटरप्रेटर ऑप्शन डी ब्राउजर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्राउजर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस टी एम एल वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ईयर यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए नाइनटीन एटी ऑप्शन बी नाइनटीन नाइन्टी ऑप्शन सी नाइनटीन नाइन्टी फाइव ऑप्शन डी टू थाउजेंड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नाइनटीन नाइन्टी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस टी एम एल टैग्स आर सराउंडेड बाई डैश ब्रैकेट्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एंगल ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी राउंड ऑप्शन डी सर्कल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एंगल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओपनिंग टैग ऑफ एस टी एम एल कार्ड यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एंडिंग टैग ऑप्शन बी स्टार्टिंग टैग ऑप्शन सी क्लोज टैग ऑप्शन डी पेयर टैग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टार्टिंग टैग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक इज कार्ड एज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एस टी एम एल टैग ऑप्शन बी एस टी एम एल बॉडी ऑप्शन सी एस टी एम एल एट्रीब्यूट ऑप्शन डी एस टी एम एल एलिमेंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एस टी एम एल टैग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है पिक दी ओड आउट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टेबल ऑप्शन बी टी आर ऑप्शन सी टी डी ऑप्शन डी फॉर्म तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉर्म में इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्जन ऑफ एस टी एम एल इज यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एस टी एम एल जीरो ऑप्शन बी एस टी एम एल वन ऑप्शन सी एस टी एम एल टू ऑप्शन डी आल ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आल ऑफ दीज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द इंटरनेट यूज डैश एज प्रोटोकॉल इंजन तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्लिप ऑप्शन बी एच टी टी पी ऑप्शन सी टी सी पी ओब्लिक आईपी ऑप्शन डी पी 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 तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टी सी पी ओब्लिक सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ई मेल सर्विसेज तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एस एम ए पी ऑप्शन बी एस एम टी पी ऑप्शन सी एस एम आई पी ऑप्शन डी एस एम ओ पी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एस एम टी पी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज ऑफ एस टी एम एल इज यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी फोर ऑप्शन सी सिक्स ऑप्शन डी थ्री तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी थ्री इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ द वेब तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए बेसिक ऑप्शन बी सी प्लस प्लस ऑप्शन सी एम एस विजुअल बेसिक ऑप्शन डी एस टी एम एल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एच टी एम एल इसका सही आंसर है तो इस वीडियो में हमने HTML टी एम एल के इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद